हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक सिंह आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, देर से सफलता मिल रही है तो निराश मत होइए, क्योंकि छोटे छोटे घर बनने में कम समय लगता है जबकि महल बनने में अधिक समय लगता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं अंतर्राज्यीय असमानताएँ। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग थर्ड चैप्टर एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ के थर्ड चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है निर्धनता एक चुनौती। ठीक है, इसके पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था निर्धनता के अनुपात के बारे में। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं अंतर्राज्यीय असमानताएं, यानी कि निर्धनता में जो अंतर्राज्यीय राज्यों में कौन कौन सी असमानता है, कि इस राज्य का एक राज्य का निर्धनता अनुपात कितना है, दूसरे राज्य का निर्धनता अनुपात कितना है, और है तो क्यों है, आइए देखते हैं। भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है। आयाम मतलब स्टेप, चरण, पहलू का मतलब सब एक ही है। भारत में जो निर्धनता व्याप्त है उसके सिर्फ एक ही स्टेप नहीं है, एक और आयाम है। अभी तक हमने जो ऊपर पढ़ा उसके अलावा भी है, तो आइए देखते हैं कि उसके अलावा क्या है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। जैसा कि आपने अभी अध्ययन किया कि एवरी स्टेट, यानी कि जितने भी स्टेट हैं अपने इंडिया में, सभी स्टेट में जो निर्धनता का रेशियो है, पॉवर्टी रेशियो है, वह इक्वल नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है। क्योंकि कोई स्टेट छोटा है तो कोई स्टेट उससे बड़ा है, किसी स्टेट की जनसंख्या पॉपुलेशन कम है तो किसी स्टेट की जनसंख्या अधिक है। तो जैसा जिस स्टेट का सिचुएशन है उसी हिसाब से वहाँ निर्धनता का भी रेशियो है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है, अगर 1970 से हम लगातार देखते हुए आए तो पहले, यानी 1970 के दशक के पहले की जो सिचुएशन थी उससे अब की सिचुएशन में काफ़ी सुधार आया है, काफ़ी बदलाव आया है। या हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि निर्धनता का जो रेशियो था उसमें कमी हुई है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने अनेकानेक संसाधन डेवलप किए, अनेकानेक योजनाएं लाई, अनेक रोजगार उत्पन्न किए, जिससे कि जो निर्धनता थी, जो गरीबी थी वो कम हुई है। निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है, यानी कि एवरी स्टेट में जो निर्धनता कम करने की दर है वो अलग अलग है, क्योंकि हर स्टेट की रेशियो, हर स्टेट का जो रेशियो है निर्धनता का, वो इसीलिए अलग अलग है क्योंकि वह जनसंख्या पर भी वहाँ की डिपेंड करता है। वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा क्रियान्वयन की हुई योजनाओं पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जितने भी रोजगार के अवसर अधिक प्रदान किए जाएंगे उतने ही निर्धनता का रेशियो कम होता जाएगा। अगर रोजगार नहीं है तो निर्धनता अपने आप बढ़ने लगेगी, जो कि निर्धनता एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। इसीलिए हर राज्य का अलग अलग है। हाल के अनुमान दर्शाते हैं कि 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो पॉवर्टी रेशियो है राष्ट्रीय औसत से कम है। अगर हम नेशनल स्तर पर देखें तो 20 राज्यों का जो निर्धनता अनुपात है वह नेशनल रेशियो से कम है। दूसरी ओर निर्धनता अब भी उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में एक गंभीर समस्या है। जैसा कि इन 5 स्टेट्स का नाम दिखाया गया है, बताया गया है कि इन 5 स्टेट्स में अभी भी निर्धनता एक गंभीर समस्या के रूप में मुख फैलाए खड़ी हुई है। हालांकि दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जैसा होना चाहिए अभी वैसा नहीं हो रहा है। जैसा कि आरेख
3.2 दर्शाता है। एक फिगर दिया हुआ गया है, ग्राफ दिया हुआ है नीचे, आइए देखते हैं इस ग्राफ में क्या क्या दर्शाया गया है। ये ग्राफ में दिया हुआ है कि प्रत्येक स्टेट में जो निर्धनता का रेशियो है, जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था वित्त मंत्रालय के द्वारा, उसमें ये दिखाया गया है कि भारत के चुनिंदा राज्यों में निर्धनता अनुपात, भारत के कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां वित्त मंत्रालय ने सर्वे कराया, आर्थिक सर्वेक्षण कराया, और उसमें ये पता चला कि कहां कहां किस किस राज्य में निर्धनता का अनुपात क्या है, गरीबी जो है उसका रेशियो क्या है, कितने प्रतिशत लोग उस राज्य में निर्धन हैं, गरीब हैं। सबसे पहला नंबर आता है उड़ीसा का। उड़ीसा का जो रेशियो था निर्धनता का वो था 47.2, और फिर उसके बाद बिहार आता है, तीसरे में मध्य प्रदेश आता है, चौथे में असम, पांचवें में त्रिपुरा, छठे में उत्तर प्रदेश, 31.2। हालांकि यह जो सर्वेक्षण रेशियो है, जो ग्राफ हम लोग देख रहे हैं, यह 2001 और 2002 में जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था उसका रेशियो है, ये तत्काल का नहीं है। तो अगर हम देखें तो कितनी ज्यादा निर्धनता इंडिया में व्याप्त है कि सबसे ज्यादा उड़ीसा में ही थी। तो ग्राफ के जरिए हम ये समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा निर्धनता है यहां। जैसा कि आरेख 3.2 दर्शाता है, उड़ीसा और बिहार क्रमशः 47% और 43% निर्धनता औसत के साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। बिहार की कंडीशन कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा, यानी कुछ वर्षों पहले बहुत ज्यादा गिरी हुई थी, भुखमरी जैसी व्याप्त थी वहां। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, लेकिन अब तो काफी सुधार हो गया है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरी निर्धनता भी अधिक है। यानी जो पांचों स्टेट हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विलेज में ही निर्धनता पाई जाती हो, यहां नगरी स्तर पर भी निर्धनता है। इसकी तुलना में अगर इसकी हम कंपैरिजन करें इन पांचों स्टेट्स का, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, चारों स्टेट का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, तो फिर केरल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। इन सभी के अपेक्षा इन सभी राज्य में काफी गिरावट आई है निर्धनता के। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। जैसा कि मैंने इसके पिछले वाले चैप्टर में आपको बताया था कि पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां एग्रीकल्चर फील्ड में हमेशा नए नए कृषि यंत्रों का उपयोग किया जाता है, नए नए पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जाता है, नए नए बीजों का उपयोग किया जाता है, जिसके चलते वहां की पैदावार अधिक होती है और मोस्टली वहां के लोग कृषि के क्षेत्र में बहुत अधिक डिपेंड रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे यंत्रों का, अच्छे अच्छे बीजों का, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करके अपना जो कृषि उत्पादन के रेशियो है वो इंक्रीज करते रहते हैं। केरल ने मानव संसाधन विकास दर पर अधिक ध्यान दिया है। अब केरल में क्या था, जैसे मैंने बताया कि निर्धनता जो है सिर्फ पैसे से ही नहीं होती है, अगर हमको उचित शिक्षा नहीं मिल रही है, अच्छा स्वास्थ्य हमारा नहीं है, तो भी हम निर्धन कहे जाएंगे। तो केरल का जो एजुकेशन रेशियो है, शैक्षणिक दर है, वहां बहुत ज्यादा है। शिक्षा के क्षेत्र में केरल प्रथम स्थान पर है राज्य में। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। अब भूमि सुधार से कैसे उपायों में निर्धनता कम हुई है, जो निष्प्रयोज्य
अनुपयोगी भूमि पड़ी हुई थी उसको उपयोग में लाया गया, उसी भूमि पर उसी भूमि को कृषि योग्य बनाया गया, उसी भूमि पर उद्योग और कारखाने धंधे स्थापित किए गए, जिससे कि जो लोग बेरोजगार थे उनको रोजगार मिला। जब बेरोजगार मनुष्यों को रोजगार का अवसर प्रदान हुआ तो रोजगार के जरिए उनको कुछ न कुछ धन मिलना शुरू हो गया। तो जब धन मिला उसी धन से उन्होंने अपने फैमिली का जीविकोपार्जन चलाया और उसी धन से ही बच्चों को उचित शिक्षा दिया, उचित स्वास्थ्य दिया, तो जिससे कि जो रेशियो था निर्धनता का वो धीरे धीरे कम होने लगा। अब आंध्र में देखते हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण इसमें सुधार का कारण हो सकता है। अब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दो स्टेट ऐसे हैं कि इसने निर्धनता का जो रेशियो है उसको कम करने के लिए क्या किया कि सार्वजनिक स्तर पर अनाज का वितरण शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि जो निर्धन लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो खाने के लिए अनाज का संग्रह नहीं कर पाते थे, अनाज की व्यवस्था नहीं कर पाते थे, और इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पास तो खेती थी नहीं, और खेती नहीं है, जमीन नहीं है, तो कहाँ से अनाज उत्पन्न होगा, और उनके पास पैसा भी नहीं है कि वो बाजार से कुछ राशन, कुछ अनाज खरीद कर ला कर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। इसके लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जब लोग खाना खाएंगे और खाना खाने के लिए हमको अनाज उपलब्ध कराना पड़ेगा, तो जो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, कुपोषण भी निर्धनता में ही आता है कि निर्धनता है तभी लोग कुपोषित हो रहे हैं, तो जब उनको खाने के लिए हम उचित सामान की व्यवस्था करके देंगे, अनाज देंगे, तो वो कुपोषित नहीं होंगे। जब उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो रोजगार में भी वो ध्यान देंगे, और रोजगार में जब जाएंगे, जब कार्य करेंगे, तो उनकी जो निर्धनता है वो धीरे धीरे कम होगी। इसलिए आंध्र और तमिलनाडु यहाँ की राज्य सरकारों ने पहले यही डिसाइड किया कि इसमें सार्वजनिक वितरण किया जाए अनाज का, हो सकता है इसके वितरण से सुधार हो ही जाए। तो उन दोनों स्टेट ने यही काम शुरू किया। तो अंतरराज्यीय हमने क्या पढ़ा कि अंतरराज्यीय यानी स्टेट स्तर पर जो निर्धनता है वह सभी राज्यों में समान नहीं है, सभी राज्य में अलग अलग है, तो उसको दूर करने के लिए सब राज्य अलग अलग उपाय, अलग अलग योजनाएं लॉन्च करते हैं, लॉन्च कर भी रहे हैं अभी, जिससे कि लोगों को रोजगार मिल रहा है और उचित शिक्षा, उचित स्वास्थ्य भी मिल रहा है, जिसके चलते निर्धनता के रेशियो में कमी आ रही है। आइए अगला टॉपिक है वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। अब हम वैश्विक स्तर पर देखेंगे कि निर्धनता का जो सिनारियो है वो कैसा है। विकासशील देशों में, अब देखिए दो शब्द आते हैं, विकासशील और विकसित। विकासशील का मतलब होता है जो कंट्री अभी विकसित होने के लिए निरंतर कटिबद्ध है, लगी हुई है अपने देश का विकास करने में, वह तो विकासशील कहा जाएगा। और जो कंट्री डेवलप हो चुकी है यानी कि वहाँ सभी प्रकार के संसाधन की प्रचुर मात्रा है, हर एक संसाधन उपलब्ध हैं, तो वह विकसित देशों की श्रेणी में आएगा। जैसा कि अभी अपना इंडिया विकासशील कंट्री है। विकासशील देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1 से कम पर जीवन निर्वाह करना में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 के 28% से गिरकर 2001 में 21% हो गया है। यानी कि जो विकासशील देश में निर्धनता अनुपात था वर्ल्ड बैंक के अनुसार, कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन $1 से कम पर जीवन निर्वाह कर रहा है तो वह निर्धन कहा जाएगा। और इनका जो रेशियो था 1990 के दशक में वह था 28%, यानी 28% रेशियो था, अनुपात था निर्धनता का, कब? 1990 के दशक में। किसके अनुसार? वर्ल्ड बैंक के अनुसार, यानी विश्व बैंक के अनुसार। यहां पर क्वेश्चन बन सकता है
कि विश्व बैंक के अनुसार, यानी विश्व बैंक ने क्या क्राइटेरिया रखा है कि अगर इस क्राइटेरिया से नीचे कोई जीवन यापन कर रहा है तो वह निर्धनता की श्रेणी में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, $1। यानी अगर एक डॉलर से नीचे कोई जीवन निर्वाह कर रहा है तो समझ लिया जाएगा कि वह निर्धन है, किसके अकॉर्डिंग, विश्व बैंक के अकॉर्डिंग। और इसका जो रेशियो था 1990 में वह 28% था, जबकि यही रेशियो डिक्रीज होकर के 2001 में जो आया वह 21% हो गया। इससे ये प्रूव्ड होता है कि यानी कि निर्धनता का जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी संसाधन का उपयोग करके डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है। यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें बहुत बृहत क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं। जो गिरावट आई है इसमें भी भिन्नता मिलती है, भिन्न भिन्न कारणों से आई है। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बृहत निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। अब अगर चीन और दक्षिण पूर्व एशिया का देखा जाए तो अगर इन्होंने अपनी कंट्री में निर्धनता का जो रेशियो है उसमें कमी पाई है, कमी लाया है, तो उसका मेन रीजन क्या है कि इन्होंने आर्थिक प्रगति पर, यानी कि धन का अर्जन कैसे हो, हमारी इकोनॉमी और स्ट्रांग कैसे हो, इस पर इन्होंने बल दिया। और जब चाइना को ये लगा या दक्षिण पूर्व एशिया को ये लगा कि अगर हम अपने देश की इकोनॉमी को अच्छी कर लेते हैं, इकोनॉमी की व्यवस्था को हम सुधार में ला सकते हैं, तो हमारे देश का जो पॉवर्टी रेशियो है, निर्धनता का अनुपात है, वो गिर जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो इन्होंने नए नए उद्योग धंधे स्थापित किए जिसके जरिए लोगों को रोजगार मिला, नई नई टेक्नोलॉजी विकसित किए। और मानव संसाधन विकास का क्या मतलब है कि लोगों को उचित शिक्षा दी जाए, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, लोगों को पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया जाए। जैसा कि इंडिया में भी अभी इंडियन गवर्नमेंट लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, लोग पढ़ें, आगे बढ़ें, इसके लिए बहुत सारे अभियान, बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं। तो जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान ही योजना की शुरुआत हुई थी, सब पढ़ें आगे बढ़ें। तो ऐसे ही चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने निर्धनता में जो कमी लाई है इसके लिए मानव संसाधन विकास पर और इकोनॉमी पर, यानी कि आर्थिक प्रगति पर उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, जिसके चलते निर्धनता के स्तर में कमी आई है। अगर चीन में निर्धनों की संख्या 1981 में देखा जाए तो 60.6 करोड़ थी, और यही संख्या 2001 में घटकर 21.2 करोड़ हो गई। अब सोचने वाली बात है कि सिर्फ 20 सालों में संख्या जहां 60.6 करोड़ थी वहां 21.2 करोड़ हो गई। इतनी हाई लेवल से संख्या, जो निर्धनता की संख्या थी, वो डिक्रीज हुई है। दक्षिण एशिया के देशों में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी तीव्र नहीं है। अगर चाइना की कंपैरिजन करें हम, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश एंड भूटान से, तो यहाँ इतनी तीव्र गति से निर्धनता की संख्या में कमी नहीं हो रही है। निर्धन, अब वो कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे हो सकता है कि रोजगार के अवसर न प्रदान करना, या मानव संसाधन विकास में ध्यान कम देना, या मानव संसाधन विकास में ऐसी योजनाएं ना लॉन्च करना जिससे कि लोगों को बेनिफिट हो सके। तो अनेकानेक रीजन हो सकते हैं। निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के बावजूद निर्धनों की संख्या में थोड़ी ही कमी आई, जो 1981 में
47.5 करोड़ से घटकर 2001 में 42.8 करोड़ रह गई है। भिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है, यानी कि इंडिया में जो निर्धनता है, जो राष्ट्रीय अनुमान था, उससे भी अधिक है। अभी इंडिया में निर्धनता को दूर करने के लिए बहुत प्रयास करने हैं, बहुत सारी योजनाएं लॉन्च करनी है। तो ये ग्राफ है, ग्राफ के जरिए हमने ये देखा कि किस स्टेट में कितने प्रतिशत लोग निर्धन हैं। आइए चर्चा करें, आरेख का अध्ययन कर निम्नलिखित कार्य करें। आप आरेख को अच्छे से देखिएगा और उसके द्वारा उस आरेख में से ही इन क्वेश्चनों को पूछा गया है और इनका आंसर उसी आरेख में ही है। अपने आप को टेस्ट करिएगा कि हमने कितने अच्छे से उस टॉपिक को पढ़ा। अंतर्राज्यीय स्तर की सीमाओं में जो निर्धनता रेखा थी, वैश्विक स्तर पर क्या है, उसके बाद इसका उत्तर अपने आप मिल जाएगा। अगर आंसर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, मैं वहां आपको बताऊंगा। तीन राज्यों को पहचान करें जहां निर्धनता अनुपात सर्वाधिक है। ये तो आरंभ में ही दिया हुआ है, ग्राफ के आरंभ में ही है। और तीन राज्यों की पहचान करें जहां निर्धनता अनुपात कम है, यह भी दिया है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इनका आंसर वेरी यानी बहुत आसानी से मिल जाएगा। सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में, अगर अफ्रीका की बात करें तो वहां 1981 का जो निर्धनता अनुपात था वो 41% था, जबकि 2001 में यही 46% हो गया। यानी वहां क्या था, वहां निर्धनता अनुपात इंक्रीज हुआ है, वहां डिक्रीज नहीं हुआ है। लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात वही रहा है, अमेरिका में जो रेशियो था वही रहा है। रूस जैसे पूर्व समाजवादी देशों में भी निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई। रूस को समाजवादी देश कहा जाता है। रूस को समाजवादी देश क्यों कहा जाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नहीं आएगा मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप ट्राई करिए। रूस जैसे पूर्व समाजवादी देशों में भी निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई है। जहां पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता थी ही नहीं, वहां पहले नहीं थी लेकिन वहां व्याप्त हो गई है। तालिका 3.2 अंतरराष्ट्रीय निर्धनता रेखा, अर्थात $1 प्रतिदिन से नीचे की जनसंख्या की परिभाषा के अनुसार विभिन्न देशों में निर्धनता के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात दर्शाती है। जैसा कि यह तालिका 3.2 है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के बारे में दर्शाया गया है। यह है कंट्री और यहां है $1 प्रतिदिन से कम पाने वाले लोगों की संख्या का प्रतिशत। नाइजीरिया में 70.8% लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन $1 से कम धन का अर्जन कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर अपना इंडिया। तो ये ग्राफ है, ग्राफ के जरिए हम ये जान सकते हैं। और ये ग्राफ किसका है, विश्व विकास ने ये रिपोर्ट दिया है सन 2001 में, जो उन्होंने सर्वे कराया था। संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों ने $1 प्रतिदिन से कम पर जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या को वर्ष 2015 तक 1990 के स्तर के आधे पर ले जाने की घोषणा की है। यानी ये तो बहुत पुरानी पब्लिकेशन की किताब है, अब तो काफी सुधार हो गया है। तो उसका जो लक्ष्य था 2015 तक, जो 1990 का था, उसी रेशियो से आधे स्तर पर ले जाने की प्लानिंग थी।
आरेख हम 3.3 से देखते हैं, $1 प्रतिदिन पर जीवन यापन करने वाले लोग, इसमें चीन है, पूर्व एशिया और प्रशांत, दक्षिण एशिया, सब सहारा अफ्रीका का जो पहले का रेशियो था और अब का रेशियो, यानी 1981 में जो था वह कितना कम हुआ 1990 में या बढ़ा, और फिर 2001 में वही रेशियो क्या था वो दिखा रहा है। और ये 3.4 में का जो आरेख है यह निर्धनों की संख्या जो दर्शित कर रहा है, यह क्षेत्रानुसार दर्शित कर रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे रीजन क्या है पॉवर्टी के, यानी निर्धनता के कारण क्या हैं, किस कारण से निर्धनता इंक्रीज हो रही है, कैसे ये घटेगी, हम इन सब के कारण और उपाय के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में किसी भी टॉपिक पर कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।